क्या आप चाहते हैं कि आपके हाथों और पाँव की स्किन भी डल ना हो, वाइट हो, ब्राइट हो और उसके साथ साथ आपके स्किन के अंदर ग्लो भी हो? तो ये रेमेडी जस्ट आपके लिए है। आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और इस रेमेडी से फ़ायदा उठाना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज जो हम आपके लिए रेमेडी लेके आए हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, ख़ासकर उन लड़कियों के लिए, उन बच्चियों के लिए जो चाहती हैं कि जिस तरह उनकी स्किन फेस की वाइट है, उसी तरह से उनके पाँव और हाथ जो हैं वो भी वाइट हों। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि हम अपनी क्रीम का इस्तेमाल फेस के ऊपर तो कर लेते हैं, बट हमारे हाथ और पाँव निगलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथ और पाँव का कलर बहुत ज़्यादा डल हो जाता है और बाज़ लोग तो केयर भी नहीं करते हैं। इसलिए ये रेमेडी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। आपकी जिस तरह से स्किन फेस के स्किन में निखार है, उस तरह से आपके पाँव और हाथों में भी निखार लग जाएगी। चलें जी, हम अपनी रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लेमन का यूज़ कर रहे होंगे, इसके अलावा हमें एक खीरे की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ हम बादाम का तेल भी यूज़ करेंगे और ग्लिसरीन का भी यूज़ कर रहे होंगे। इन सारी चीज़ों से हम आज की रेमेडी को प्रिपेयर करेंगे। चलें जी, हम अपनी रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लेमन ले लेने हैं। तकरीबन जो है 5 लेमन को कट कर लेना है। जब आप 5 लेमन कट कर लेंगे तो आपके 2 टेबलस्पून के मुताबिक जूस उसमें से निकल आएगा, जो कि हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि लेमन को कट कर लेंगे, इनका 1 बाय 1 करके जूस निकाल लेंगे। जूस निकालने के बाद आपने इसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेना है। आपको पता है कि जो लेमन होते हैं, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। जिस तरह से ऑरेंज हमारी स्किन के लिए मुफीद है, इस तरह से लेमन भी हमारी स्किन के लिए मुफीद है। हमारी डेड सेल्स, हमारे डेड स्किन को ये रिमूव करता है, ब्राइट करता है, वाइट करता है, उसके साथ साथ हमारे स्किन में ग्लो भी लेके आता है और हमारे स्किन को निखारने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए यहाँ पर हम लेमन को यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो हमने लेमन का जूस निकाला था, हम स्ट्रेनर की मदद से उसको स्टेन कर लेंगे। स्टेन करने के बाद ये देखें, ये हमारा 2 टेबलस्पून के मुताबिक जो है लेमन का रस जो है निकल आया। अब हम क्या करेंगे कि हम खीरे का यूज़ करेंगे। खीरे को हमने पील ऑफ नहीं करना, खीरे को आप वैसे ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे हमने अपने खीरे को ग्राइंड करके रख लिया है। ग्राइंड करने के लिए आप थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और इसको ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद आपका पेस्ट बनके इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि खीरे को भी स्टेन कर लेना है। आपको पता है कि जो खीरा होता है, जिस तरह से हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, इसी तरह से हमारे स्किन के लिए सूदिंग प्रॉपर्टीज़ का काम करता है। हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ठंडा रखता है, जो हमारे स्किन के ओपन पोर्स होते हैं उनको भी रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हम इसको यहाँ पे छलनी की मदद से छान लेंगे। छानने के बाद इसके रस को हम अलहदा कर लेंगे और इसके जो पल्प हैं उसको हम अलहदा कर लेंगे। यहाँ पर हमने अब खीरे के रस को अलहदा कर लिया है। अब हमें एक कटोरी की ज़रूरत पड़ेगी। कटोरी के अंदर हम 2 टेबलस्पून खीरे का रस ऐड कर देंगे। रस ऐड करने के बाद हमने जो लेमन का रस निकाला था वो भी हम 2 टेबलस्पून के मुताबिक ऐड कर देंगे। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे बादाम का तेल ऐड करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल और बहुत ड्राई है तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कीजिए, और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आपने यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून ऐड कर लेना है, क्योंकि ये बादाम का तेल जो है हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमारे स्किन को निखारने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमें ग्लिसरीन की ज़रूरत पड़ेगी। ग्लिसरीन हमारी स्किन को सॉफ्ट, सिल्की और स्मूथ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हमारे स्किन में ब्राइटनेस लेके आती है, ग्लो लेके आती है और मॉइस्चराइज़र का काम करती है। इसलिए यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून के मुताबिक ग्लिसरीन भी ऐड कर लेंगे। अब आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब आप मिक्स कर लेंगे तो आपका ये टोनर जो है बन के रेडी है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको लाजमी बनाइए, लाजमी ट्राई कीजिए, है बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किए हैं हमारे स्किन को हेल्दी और नरिश करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब हम बात करते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। आप दिन के टाइम कोई भी काम कर रहे होते हैं, सबसे पहले आप अपने जो है हाथों के ऊपर स्प्रे कर लीजिए। स्प्रे करने के बाद फिर आपने अपने रूटीन के काम कर लेने हैं। काम करने के बाद जब आपका दिल करे आप अपने हैंड्स को वॉश कर सकते हैं। दिन में एक दफ़ा इसको लाजमी ट्राई कीजिए, आपको इसके रिजल्ट 1 वीक के अंदर अंदर ही मिलना शुरू हो जाएंगे। आप रेगुलर यूज़ कीजिए, आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट और वाइट हो जाएगी।
उसके अलावा हम आपको एक और बात बता दें कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपने लेमन की सिर्फ चंद बूंदे ही ऐड कर लेनी है, या फिर आप लेमन को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसकी स्टोरेज वैल्यू की बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी स्टोरेज वैल्यू की बात करें तो ये टोनर आप 1 वीक तक यूज़ कर सकते हैं। इसको ठंडी जगह पर रखें, 1 वीक के बाद इसको दोबारा बनाइए और दोबारा यूज़ कीजिए। आप 1 हफ्ते में ही अपनी स्किन का कलर, अपने हाथों और पाँव की रंगत में नुमाया तब्दीली देखेंगे। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, ब्राइट और वाइट भी हो जाएगी। आपके जो पाँव और हाथों के ऊपर डेड स्किन आ गई है वो भी रिमूव होने लग जाएगी। इस रेमेडी को यूज़ करें, आपको इसके रिजल्ट अच्छे लगें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहें और इसी तरह से आप हमारी टिप से फ़ायदा उठाते रहें। चलें जी, हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक रब रखा एंड अल्लाह हाफिज़।